नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मालूम तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निमर अहमद का और इसका टाइटल है सऊदीया ने आईपीएल को किया किस, पीएसएल को कराया मिस। अच्छा, सऊदीया होस्टिंग आईपीएल मेगा ऑक्शन। तो जी हाँ, आईपीएल का जो ऑक्शन है वो जिद्दा में हो रहा है सऊदी अरब में और इसको लेकर पाकिस्तान में बड़ी चर्चा है यार, क्योंकि सऊदीया अरब एक मुसलमान कंट्री है और पाकिस्तान ये समझता है, अपना हक समझता है कि हर मुसलमान कंट्री उसकी बात सुने क्योंकि वो वाहिद इकलौता मुल्क है जिसके पास एटम बम है। लेकिन घंटा दुनिया को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, वो दुनिया को कहती है भैया तुम भिखारी है, भिखारी की तरह रहे। तो इन लोगों को लग रहा था कि पीएसएल में कहीं सऊदी अरबिया इस्लामिक मुल्क ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और हुआ उल्टा। सऊदी अरबिया ने उल्टा आईपीएल में इंटरेस्ट दिखा दिया है भारत के और भी पाकिस्तान के जानी दुश्मन के देश में होने वाली क्रिकेट टूर्नामेंट पर। अब इस पर जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों को तो मिर्ची लगेगी ना, वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी वाला बवाल चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह की बातें हो रही हैं। सऊदी अरेबिया के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हिस्ट्री में पहली बार सऊदी अरेबिया जद्दा के अंदर एक क्रिकेट इवेंट होने वाला है, आईपीएल ऑक्शन जद्दा के अंदर अब होगी, जिससे आईपीएल और सऊदी अरेबिया दोनों ही करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं। इससे पहले आईपीएल ऑक्शन यूएई के अंदर होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब बढ़ते दिनों के साथ भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। 650 प्लेयर्स सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद होंगे, इस बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है? पाकिस्तान के अंदर भी एक लीग चलती है पीएसएल, सऊदी अरेबिया ने पीएसएल को किसी किस्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि मुस्लिम उम्मा सबसे पहले, मुस्लिम उम्मा हमारा ख्याल रखेगी, लेकिन मुस्लिम उम्मा में जो सबसे बड़ा नाम है सऊदी अरेबिया का, वो पाकिस्तान पर फोकस नहीं कर रहे, भारत के साथ ताल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। इससे सऊदी अरेबिया की कितनी पब्लिसिटी होगी, सऊदी अरेबिया कितना पॉपुलर होगा, सऊदी अरेबिया के अंदर कितने इन्वेस्टर आएंगे, कितने उनके इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, इस बारे में अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उन्होंने अपना टोटली सेटअप चेंज किया है। आप मुझे ये बताइए कि चेंज वो क्या लेके आए हैं, ये बताइए। चेंज वो ये लेकर आए हैं कि पहले कभी जो वो पाकिस्तान की पॉलिसी पर चलते होते थे कि भारत के साथ ताल्लुकात नहीं बढ़ाने, अब वो पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वो भारत के साथ ताल्लुकात भी बढ़ा रहे हैं और आईपीएल की ऑक्शन अब जद्दा के अंदर होगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सऊदीया ने जो सा अगर सोचा है तो बेहतर सोचा है। हो सकता है कि इंडिया के साथ, अगर वो ये मैडम पहले भी निमरा की वीडियो में आई है शायद, मुझे लग रहा है इस बार हिजाब हिजाब टाइप में पहन के कुछ आ गई, नहीं वो मतलब सर उढ़क के आ गई है ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या मैडम आई है क्या पिछले किसी वीडियो में? तो इंडिया को यानी के अपने साथ यानी के रिलेट करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि इससे ताल्लुकात बेहतर हों, कि जो हमारे यानी के उधर यानी के वो क्या कहते हैं कि रूठे हुए बहन भाई हैं, क्या पता वो मान जाएं, उनके दिलों में नरमी आए, उनके दिलों में मोहब्बत आए, क्योंकि आपको पता है हमारा मज़हब तो मोहब्बत की तलकीन करता है और हमारा मज़हब जोन सा है वो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, हमें प्यार। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स की ये बड़ी प्रॉब्लम है, वो दावा तो कर देते हैं अपने मजहब की बड़ाई करने के लिए कि देखो हमारा मजहब कितना अफजल है और ये है और वो है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एकदम उलट। अगर वो दावा कर रहे हैं ना कि हम तो बड़े प्यारे लोग हैं, तो यकीन कीजिए इनसे बड़ा मक्कार कोई नहीं। इसका एग्जांपल देता हूं, बड़े मुझे मैसेजेस आए हैं, मुजफ्फर भाई जो हैं वो परफेक्ट रिएक्शन वाले, उनका एक वीडियो आया उस पर मैं रिएक्शन करने वाला हूं कि वहां पर हरचंद राम ब्लॉगर ने जो हिंदू है वहां के पाकिस्तानी वो गए बाल कटवाने, किस तरह से उनसे उनको बेइज्जत किया जा रहा है, किस तरह से हरचंद राम के जो धर्म है उनका हिंदू धर्म उसको बेइज्जत किया जा रहा है और किस तरह से लोग मतलब रूडली बिहेव कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा छोटी सी क्लिपिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। तो अगर आपको 500 रुपया दो और बोलोगे ये तुम हमारे को 10,000 भी दो तो मैं नहीं काटूंगा, ये नाराज तो ना हो आप? नहीं, एक दिल नहीं मानता फिर जरूरी है आप उसी बात को दुराते हैं, फिर दोबारा एक दिल नहीं मुतमन होता, बस क्या दिल क्यों नहीं मुतमन होता यार, नहीं काटते हम... क्या क्या करें, नहीं सर तुम जाओ नहीं काटते बस ये मुसलमान गैर मुस्लिम फर्क कोई नहीं,
की फर्क है मैंने दसो तू मैंने समझा कोई फर्क नहीं फर्क कुछ ही पा रहे हैं ना वो अपने वो पूजा कर दे ना उन्होंने मंदिर बने तुसी जाओ तो तुसी उन्होंने मजहब चढ़ जा यार देखो मजहब हर बंदे दा पर्सनल मामला है पर्सनल ये भी पर्सनल मामला है ये पर्सनल मामला है हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज है उनको बराबर का हक दिया जा रहा है और जबकि हमारी जो पब्लिक है वो तो हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है हमारी जो गवर्नमेंट है वो बाहर पैसे लेने के लिए कर्जा लेने के लिए जाती है वो कहते हैं हम मिनोरिटीज के साथ यानी हम पूरा हक उनको दे रहे हैं पूरा हकूक दे रहे हैं पूरा तहफ़ जो है उनको दे रहे हैं ठीक है ना तो जैसे ही कोई पाकिस्तानी कहता ना कि हमारा मजहब तो अमन का है और शांति का है हम हाथ बढ़ाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं लेकिन ग्राउंड पे ये हो रहा होता है तो आपके दावे झूठे हैं आप गलत चीज बता रहे हो झूठ बोलते हो आप लोग अपने मजहब के बारे में ये देखकर तो ये लगेगा ना आप लोग अपने मजहब के बारे में झूठ बोलते हो झूठा प्रचार करते हो अब देखो ये क्या हो रहा है ग्राउंड रिलेटेड इसका पूरा वीडियो मैं करने वाला हूं बहुत जल्द और इसको दूर दूर तक पहुंचाना है इस वीडियो को कि देखो पाकिस्तानियों की सच्चाई कि पाकिस्तानी कहते हैं कि जो हम तो आपका बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी में स्वागत करेंगे हम तो आपसे बड़ा प्यार करते हैं ये करते हैं वो करते हैं ये प्यार करते हो आप ये है हिंदू जो आपके पाकिस्तानी हिंदू हैं इंडियन हिंदू तो छोड़ दो वो तो मतलब जानी दुश्मन है जो पाकिस्तानी हिंदू है उनसे आप देखिए क्या बर्ताव कर रहे हो अगर शर्म आए तो डूब के मर जाना फिर दोबारा मत कहना कि भारतीयों पाकिस्तान आओ चैंपियंस ट्रॉफी खेल समझ रहे हो भारतीयों कह रहा हूं हाँ मतलब पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूं हमें प्यार और मोहब्बत की तलकीन की गई है ना कि हमें गुस्से और इंतशार की तो अगर हमारी जो सऊदी अरेबिया है अगर उसने सोचा है तो बेहतर ही सोचा है करोड़ों रुपए कमाएंगे वो आईपीएल और सऊदीया दोनों क्रिकेट में करोड़ों रुपए कमाएंगे जी जी डेफिनेट है जब इंसान कोई भी जोन सा है वो मनसूबा बनाता है तो उसमें चाहे करोड़ों कमाए अरब कमाए खरब कमाए वो तो कमाने ही कमाने हैं चाहे वो इंडिया को लेके आए साथ चाहे वो यूएसए को लेके आए साथ जिस मर्जी कंट्री को लेके आए कमाने तो है ही है ना कर किस लिए रहे हैं एक क्रिकेट लीग हमारी भी है पीएसएल जी बिल्कुल पीएसएल पर थूक दिया सऊदीया ने क्यों हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा तो हमारी तरफ नहीं देख रही नहीं ऐसा नहीं है मुस्लिम जोंस है वो देखती हैं क्यों नहीं मुस्लिम उम्मा देखती हैं क्यों नहीं देखती ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने थूका है बिल्कुल भी नहीं वो हमेशा सऊदी अरेबिया जो गवर्नमेंट है मुस्लिम बहन भाइयों को अप्रिशिएट करता है मुस्लिम भाइयों को जोन सा है वो वेलकम करते हैं जो सऊदी अरेबी गवर्नमेंट सनी मुस्लिम भाइयों को तो नहीं वेलकम करते वो नहीं करते वेलकम क्यों नहीं करते आज रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं हमारे है खबरें तो सुने नहीं वो आप सही कह रही हैं सही कह रही हैं ठीक है खबरों में झूठ भी तो कहा जा सकता है लेकिन हम देखे ना उमरा करने ही जाते हैं वो वेलकम हमें करते हैं तो हमें उधर उमरे की जोन सी वो इजाजत मिलती है हज की इजाजत मिलती है क्या ऐसे तो नहीं ना हाजियों की दरखास्तें जोन सी हैं वो मंजूर होती हैं हमें वेलकम करते हैं तो उधर हम जोन सा है वो अल्लाह के हजूर सजदा करने जाते हैं अरे बीबी अपने दिमाग को बड़ा करो बीबी हबीबी छोटा दिमाग आपका सोच बड़ी नहीं होती आपकी मैं बताती आप एक कंज्यूमर हैं आप फ्री में सऊदी अरेबिया आपको कराता है क्या हज और उमरा पैसे लेता है ना फ्री में तो नहीं कराता कि अल्लाह का घर है और ये है और वो आइए हम पूरे मुसलमान भाइयों के लिए अपने सब कुछ फ्री कराते हैं होटल आपको फ्री में मिलता है वहां पर फ्लाइट आपको फ्री ले जाती है वहां पर फ्री में वहां पर जाके आप चले जाते हो हर एक चीज के पैसे लगते हैं वहां पर जाने के आने के खर्चा होता है ना जो मुसलमान मुझे सुन रहा है आप बताइए क्या हज उमरा करने में जाने में खर्चा नहीं होता क्या होता है ना तो आप उनके लिए कंज्यूमर हो वो इस्लाम का प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस जगह पर आप खरीद रहे हो आपसे वो कमाई कर रहे हैं तो आपका वेलकम तो करेंगे ना कंज्यूमर का वेलकम कौन नहीं करता भाई पाकिस्तानी नहीं करते होंगे कंज्यूमर का कस्टमर हो आप बेसिकली उनके कंज्यूमर में गलत शब्द का इस्तेमाल किया कस्टमर हो उनके एयरलाइंस को फायदा उनके होटल मैनेजमेंट को फायदा उनकी जगह उनकी अथॉरिटीज को फायदा आप टैक्सेस दे दो ना वहां पे जाके तो आप कस्टमर हो उनके हज और उमरा फ्री में जिस दिन कराने लगे उस दिन मैं बात मानूंगा कि सऊदी अरबिया वाकई इस्लाम को प्रमोट कर रहा है और आप जितने मोमिन हैं जितने मुसलमान हैं उनके लिए बड़ा दया भाव रखता है बड़ा मदद करता है जिस दिन वो फ्री कराने लगे आप किसी भी कंट्री में रहने वाले मुसलमान हैं हमारी फ्लाइट जाएगी आपको फ्री में लेकर आएगी फ्री में जो छोड़ेगी फ्री में आपको सारा वहां पे हज उमरा कराएगी और फ्री आपको घर पहुंचाएगी तब तो बात मानी जाएगी भाई बड़ा नेक काम कर रहे हैं
कोई नेक काम नहीं है, आप सब पैसे बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। सऊदी अरेबिया हमारे हाजियों से इतना तंग आ गए थे, वो कहते पाकिस्तान के जितने हाजी आते हैं वो सारे यहाँ बैठकर भीख मांगते हैं, उन्होंने हमारे लिए कोटा भी कम कर दिया था। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनिए, जो सारे लोग जाते हैं वो सभी भीख नहीं मांगते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे शहरों से जाते हैं, लेकिन वो नाम वही ना पाकिस्तान को हेडलाइन पे रखा हुआ है जी ये पाकिस्तान से आए हैं भीख मांग रहे हैं। बीच में जो से इंडोनेशियन बहुत होते हैं, मलेशियन बहुत होते हैं जो भीख मांगते हैं, होते हैं, लेकिन रेशो हमारी ज्यादा होती है। बात हो रही थी क्रिकेट पर, PSL को कभी सऊदीया ने प्रमोट क्यों नहीं किया? चले ये तो हमने भिखारियों की बात कर ली ना, एक PSL तो पाकिस्तान में भी चलता है जिसको हम कहते हैं कि IPL को टक्कर दे रहा है, तो फिर हमारी लीग को उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया? ओके, अगर तो नहीं किया तो फिर उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उन्हें देखना चाहिए कि पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं, तो उन्हें इस तरफ गौर करना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं गौर किया तो इसमें भी तो कोई ना कोई होगी ना बात जो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जब मशावरत होती है तो बहुत मुफक्करीन बैठते हैं, बहुत से जो से कंसल्टेंट्स बैठते हैं, हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बात हो जो हमें ना पता हो, हम जो उनसे न्यूज़ में ना देखते हैं। आपको क्या लगता है क्या बात होगी कि सऊदी हमें किसी खाते में ही नहीं लिखता है? IPL अब ऑक्शन वहाँ जद्दा में होने जा रही है, इंडियंस को प्रेफरेंस पे वीज़ाज मिलते हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात मजबूत होते हैं, बराबरी पर बातचीत होती है। आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरा भाई है। ओके, तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने कहा है कि मोदी मेरा भाई है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके दिल में मोहब्बत थी, वो एक मुसलमान था जिसने कहा कि मोदी मेरा भाई है। मैं खुद कहती हूँ कि मोदी जौन सा है वो अच्छा शख्स है, मैं खुद कहती हूँ, लेकिन जहाँ आपने कहा है कि सऊदीया जौन सा पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं लाता तो ये गलत है। सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है हमारे मुसलमान बहन भाइयों को वो उधर उमरे के लिए बुलाते हैं, उधर हज के लिए बुलाते हैं, तो ये मैं नहीं मानती कि वो किसी खाते में नहीं लाते। अगर खाते में ना लाते होते वो हमारे लिए उमरा बंद कर देते, हमारे लिए अल्लाह का घर बंद कर देते। नहीं, वो प्रॉपरली कैसे बंद कर दें, वो मुसलमानों के वीक पॉइंट को कैसे टच कर लें, मुझे ये बताएगा। उमरा और हज करने तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने जाना है ना वहाँ पर जी। आपको पता है हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, नंगा करके तो हमारी तलाशी ली जाती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तलाशी वो हर कंट्री के बशिंदे की लेते हैं, ये नहीं कि वो पाकिस्तानियों की लेते हैं, हर बंदे की लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, अब जाहिर है उनका एक रूल है। अब देखिए हम फोर्ट्रेस चले जाएं, मैं लाहौर में अब इस टाइम खड़ी हूँ, मैं फोर्ट्रेस चली जाऊं, ये राया चली जाऊं, माना मॉल चली जाऊं, हमारी तलाशी होती? क्यों नहीं होती? हम इधर कैंट में चले जाते हैं, हमें एक कमरे में बुलाया जाता है, हमारी तलाशी होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि ये उनकी ड्यूटीज़ हैं। ये अच्छा एक बात बताएगा, अब आप और मैं एयरपोर्ट पर जाए, साथ दूसरी कंट्रीज के भी लोग हों, उनको बाइज्जत आगे जाने दिया जाए, हमें कहा जाए चल भाई बीबी उधर चल तेरी पूरी तलाशी होगी, कैसा लगेगा? आपको लगेगा ना कि हम कोई स्पेशल लोग हैं जो हमारी तलाशी हो रही है, ऐसा फील होगा कि आप कहोगे इट्स नेचुरल? मैं आपको बताती हूँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे जोन सा है क्या बातें कर रही है, हमारी एक्ट्रेस टीवी पर बैठ कर रोने लग गई थी, वो कहती है कि हम सबा कमर मैं नाम ले लेती हूँ, वो कहती है हम लोगों के साथ ऐसा सलूक होता है कि जैसे हम कोई दहशतगर्द है, ऑन द रिकॉर्ड है ये, टीवी पर लाइव शो में बैठकर वो रोई है। ऐसा नहीं होता है, मैंने खुद दुबई ट्रैवल किया है, मैंने खुद जोन से ट्रैवल किया, ऐसा कहीं नहीं होता। उनके पास ज़रूर कुछ ना कुछ निकला होगा सबा कमर के पास से, जो उन्होंने उसी को टारगेट किया है। ख़वातीन को रिस्पेक्ट दी जाती है एयरपोर्ट्स पे, ये तो आपको भी पता है कि ख़वातीन को रिस्पेक्ट दी जाती है, कोई भी डिपार्टमेंट एयरपोर्ट ही नहीं। पाकिस्तान की थोड़ी बात करें, तो इंटरनेशनल भी चले, आप दुबई भी चले जाएं, हम तो बाइज्जत जाते हैं। अब अल्लाह जाने सबा कमर के पास क्या था जो उसको नंगा करके तलाशी ली है। अच्छा ये हमें नहीं पता, ये बताइएगा IPL ऑक्शन वहाँ पर हो रही है जी। कितनी पॉपुलैरिटी अब सऊदीया को मिलने वाली है ये बताइएगा, IPL का नाम सऊदीया के साथ जुड़ चुका है ना अब? Yes, you're right. जाहिर है बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी, और माशाल्लाह से सऊदीया की पहले ही बहुत पॉपुलैरिटी है। अब ये पूछे क्यों? क्योंकि उधर अल्लाह का घर है, उधर हमारे मोहम्मद का रोज़ा रसूल है, तो पॉपुलैरिटी तो पहले ही है, तो अब भी होगी। नॉन मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रही हूँ, तो नॉन अच्छा मेरी बात सुनिए, मुस्लिम कंट्रीज को फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए इंडिया के साथ ताल्लुकात ही बेहतर क्यों करने पड़ते हैं?
एक्चुअली के इंडिया जौन सा है वो एक तो हमारा हमसाया मुल्क भी है, ठीक है, और सरे फहरिस्त होता है, ठीक है जी, सरे फहरिस्त होता है वो, ठीक है, चाहे यूएसए ले लें चाहे पाकिस्तान ले लें, ये जो तीन कंट्रीज हैं भारत, ये जौन सा है टॉप ऑफ द लाइन होती हैं। अच्छा। मतलब तो, वो इतना तरक्की कर। अरे बकलोल आंटी, एकदम में बकलोल है क्या? गजब हाल है भैया, पाकिस्तान टॉप पर होता है, टॉप ऑफ द लाइन। मैडम आपको ना इलाज की जरूरत है। तरक्की कर चुके हैं ना कि अगर कोई उनके साथ रिलेशंस बिल्ड करता है तो वो फिर एक पॉपुलैरिटी उनको मिल जाती है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल नए नए मुहाइदे हो रहे हैं, जो उनसा है वो बिजनेस को फरोग दिया जा रहा है, तो ठीक है अगर भारत को वो फ्रंट पे लाते भी हैं तो ठीक है, कुछ ना कुछ उनका मुहाइदा हो गई तो फिर सपोज अगर मेरा कोई मुहाइदा आपके साथ है तो मैं आपको फ्रंट लाइन पे लेके आऊंगी, सपोज हमारे कैमरा मैन है उनका होगा तो मैं उनको फ्रंट लाइन पे लेके आऊंगी। थैंक यू। क्या पता तो कहीं निमरा ने आपके साथ कोई मुआयदा तो नहीं किया जो आपको बार बार फ्रंट पर लेकर आती है बकलोल आंटी? हाँ भाई निमरा बताइएगा, आपने कोई मुआयदा तो नहीं कर लिया मैडम के साथ? पता उनसे प्यार ज्यादा है इसीलिए। उनसे प्यार ज्यादा है? क्या वजह हो सकती है इसकी? ये तो उन्हें पता है ना, हमें क्या? आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि वो सही कर रहे होंगे जो कर रहे हैं। अच्छा, वो सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? जो आप ही कह रही हैं वो सही कह रही हैं। अच्छा ये बताएगा, अब वो लोग करोड़ों रुपए कमाएंगे आईपीएल इंडिया और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के अंदर पीएसएल चलता है, सऊदी ने पीएसएल को थूक दिया, लो हमसे क्या प्रॉब्लम है? उन्हें गरीब की गुर्बत नजर नहीं आती है ना, वो मर रहे हैं जी। अच्छा एक बात बताइएगा, ये आईपीएल का तो हमें पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग नाम है, ये पीएसएल का क्या नाम है फुल फॉर्म? पाकिस्तान समथिंग कुछ है क्या? मतलब मुझे नहीं पता पीएसएल का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा प्लीज। मर रहे हैं जी रहे हैं वो किसी भी हाल में, मगर वो चाहते हैं गरीब मर जाए। सऊदीया चाहते हैं? हाँ ये ऐसे ही है कि वो कहते हैं कि मर जाए ये मरे। हाँ हम सारे गरीब। अच्छा। अगर हमने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो तब भी हम गरीब हैं, आपने अच्छे कपड़े पहने तो क्या बात है, आप अमीर हैं। नहीं आपकी भी कोई परेशानी होगी, आपके अंदर भी कोई टेंशन चल रही है, आपको भी लाइफ में कोई टेंशन है ना, तो फिर इसी तरह हमें वो खुश देखना ही नहीं चाहते हैं। सऊदिया वाले? सऊदिया वाले क्यों ऐसा क्यों? उन पे लानत है, उन पे हमने उन पर लानत बड़ी इजीली भेज दी है। मुझे बताए हम कौन होते हैं सऊदिया पर आवाज उठाने वाले? हम तंग हो रहे हैं, हमारी लाइफ में परेशानियां ले आए हैं वो। सऊदिया? सऊदी अरब। वो कैसे? बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं, मसलन आपको पता होगा। बताए तो सही, ऐसा कौन सा सऊदिया ने हरकत कर दी है बताए तो सही, जो हमारी लाइफ में मुश्किलात आ गई है? कोई एक चीज हो तो बताए ना, एक चीज हो तो बताए ना, मैं परेशानी हल करती हूँ। मैं बताती हूँ, एक परेशानी हो तो हम बताएं, आप हल कर दें हमारी परेशानी। सऊदिया की वजह से कौन सी परेशानी आई हुई है यहाँ पर? हम बैठे हुए हैं, हमारे काम नहीं है। सऊदिया ने कहा ये सऊदिया की हरकत है, सब कुछ उनकी वजह से है। वो कैसे? और आप सबको पता है? नहीं मुझे तो नहीं पता, वो कैसे वजह तो बताए ना। वजह हम उनसे मिल के आएंगे तो आपको बताए। अच्छा सुने ना, इधर तो आए बात तो करे ना, सऊदी अरेबिया की हुकूमत थोड़ी है यहाँ पर, इधर कोई एक हुकूमत रहती नहीं ना। नहीं, सऊदिया सऊदिया ने कैसे हमारा बेड़ा गरक किया है? ना एक कोई हुकूमत को बिरयाने नहीं देते गरीब के लिए, सऊदी अरब हो गया कोई भी मुल्क हो गया, कोई एक बेनिफिट रखते ही नहीं है। सऊदिया का तो बीच में कोई किरदार नहीं है ना, कुछ है बीच में भाई। हमारे हुक्मरानों को आप बात करें ना, हमारे हुक्मरानों ने हमारे लिए नहीं है कि जैसे तो हैं। सऊदिया को तो ना ब्लेम करें जो हमें भीख देते हैं। सऊदिया हमें लोन देता है, क्या लोन देता है? हम गरीब भूखे मर रहे, क्या लोन दे रहे हैं? हमें उधार चाहिए, कौन दे रहा है? आपके घर आके तो नहीं ना सऊदिया वाले देंगे, हुकूमत को ही देंगे ना, क्यों? सऊदिया तो नहीं जानता ना, तरीके से दे सकता है, क्यों नहीं दे रहा? सऊदिया के ठेका, सऊदिया ने ठेका थोड़ी लिया हुआ है हमें देने का लोन। आपके सऊदी अरब वाले रिश्तेदार हैं, आप उनकी मेहनत कर रही हैं, बताएं। मेरी तो आप भी रिश्तेदार नहीं है, मेरा तो कोई भी रिश्तेदार। क्यों नहीं मान रही? क्योंकि आप गलत बोल रही हैं ना, और मेरा काम है आपको सुधारना। हम किसी मुल्क पे इल्जाम तो नहीं कर डाल सकते ना? उनको सुधारे, मैं क्यों सुधारूं? वो बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। नहीं गलत बात है। अच्छा गलत बात है, हम सही जा रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, काम नहीं है हमारे लिए कुछ करना, हमारी हुकूमत का काम है हमारी।
इतने ये एहसान फरामोश बेगैरत होते हैं पाकिस्तानी, सऊदी वाले कुछ भी करें भाई ये क्लिप काट के ना वही काम करना है, सऊदी अरब की अथॉरिटीज तक इसका ट्रांसलेशन करके पहुंचाना है, ये सोच रखते हैं पाकिस्तानी। ये वो पाकिस्तानी है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जिनके पास जकात के चावल भेजता है सऊदी अरब, क्या भाई गरीबों भिखमंगों ये लो चावल खाओ। जो सऊदी अरब जकात के चावल बेचकर इनको खाना खिलाता है वो देखिए सऊदी अरब के बारे में कैसी बातें कर रही है। ये क्लिप काट कर भेजो ट्रांसलेट करके कि सऊदी अरेबिया बेकार है और ये है और वो है। भाजो जो अभी यूएई ने किया है वही काम अब सऊदी अरब करेगा पाकिस्तानियों के लिए, और एमबीएस तो वैसे ही तगड़ा वाला है, एक बार नजर पर चढ़ गए पाकिस्तानी तो फिर पाकिस्तानी को खाल उधेड़ देगा वो। हमारी हुकूमत का काम है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती उनके बगैर। किनके बगैर? जो ऊपर के मुल्क के लोग है ना, हम गुलाम है किसी के? आप इनडायरेक्टली कह रही है हम सब गुलाम है, ये बनाया हुआ है आवाम को और क्या किया हुआ है। चलो ठीक, थैंक यू। आई जस्ट वॉन्ट के टू से के हर किसी की एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना थॉट होता है, और कोई भी कंट्री हो या कोई पर्सन हो जब उसको अपना मफाद होगा, अपना बिजनेस चमकाना चाह रहा होगा, तो वो सिर्फ उसी को सपोर्ट करेगा जिससे उसको बिजनेस मिल रहा होगा या जो उसके लिए सपोर्टिव होगा। तो यही मेरा ख्याल है कि मे बी उनको उनसे कोई बिजनेस या अपनी कोई मफाद होगा जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान को लेके अगर उनसे कोई इस तरह का कोई पर्सनल अगर उनको नहीं मिल रहा तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं प्रमोट करते। जद्दा के अंदर पहली दफ़ा ये इवेंट होने जा रहा है, क्या कहेंगे करोड़ों रुपए इससे आईपीएल को भी जनरेट होंगे और सऊदी अरेबिया भी कमाएगा। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने अपना पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है, क्या कहेंगे? फिर वही कहूँगी कि जब उनको फ़ायदा हो रहा है इसमें, जब उनके लिए कोई प्रमोशन का बाइस बन रहा है तो इसीलिए उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम कंट्री है ना? नहीं, लेकिन देखिए मैंने फिर वही बात की है कि जब हम लाइक इस बात को जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो शायद फिर हम ये चीज़ें नहीं देखते, फिर हम जस्ट अपना बिज़नेस देख रहे होते हैं। अच्छा। तो मेरा भी शायद ख्याल यही है कि ये मेरा पर्सनल थॉट है, इट्स नॉट के शायद वो अपना जस्ट बिजनेस देख रहे हैं, बाकी सब चीज़ों को उन्होंने साइड पे कर दिया। वो भाईचारा इंडिया के साथ कायम कर रहे हैं, वो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, मेरा ख्याल यही है। अच्छा, और कोई इशू नहीं है? नहीं, क्योंकि सारी बातें देखिए जब हम सिर्फ अपना बिजनेस देख रहे होते हैं तो फिर जस्ट जंग और बिजनेस में सब जायज़ है, तो फिर मेरा ख्याल है सिर्फ यहाँ पर ये हो रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मोदी साहब हमारे भाई हैं। फिर भी वही बात आती है कि जब हम बिजनेस को देख रहे होते हैं फिर जब ज़रूरत है तो आप भाई भी बन सकते हैं। अच्छा, भाई भी बन सकते हो? जाहिर बात है जब किसी को ज़रूरत है तो वो भाई भी बना लेगा किसी को भी। वो कहते हैं हम ज़रूरत के लिए नहीं, हमारा एक पर्सनल बॉन्ड है इनके साथ। इस बारे में शायद मैं नहीं कुछ कह पाऊँगी, वो उनके पर्सनल है तो शायद पर्सनल को पर्सनल ही रहना चाहिए। तो कहते थे कि PSL ओ बहुत बड़ी लीग है, बहुत बड़ी लीग है, PSL पर अफगानिस्तान ने भी थूक दिया, सऊदीया ने भी थूक दिया। सॉरी, इस बारे में शायद मैं नहीं कुछ कह पाऊँगी, जितना मेरा था मैंने आपको शेयर कर दिया, थैंक यू वेरी मच। ये जो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हो रहा है, हम इससे पहले भी देखते आए हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए, मतलब अगर मैच वगैरह के अलावा भी देखा जाए तो सऊदी अरब ओवरऑल कॉन्फ्रेंसेज वगैरह में ज़्यादातर जो है वो प्रमोट इंडिया को करता है, इंडिया को सपोर्ट करता है, उनके इवेंट्स को प्रमोट करता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये बात है कि सिर्फ IPL के जो इवेंट है उसमें अगर उसकी इफ्तिताही तकरीब को देखा जाए या जो कुछ भी वहाँ पर सऊदीया में हो रहा है IPL के अलावा भी, वो सब कुछ कोई इस्लामी कल्चर के फेवर में नहीं आता, वो सब कुछ उसके अगेंस्ट आता है। जैसे कि आपको पता चला होगा जैसे कि वहाँ पे मॉडलिंग का शो होना या वहाँ पर जिसे कहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके के साथ अपने कल्चर को एक्सपोज किया वहाँ पे, अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक सऊदी अरब एक हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इस्लामी कंट्री है और मेजर इस्लामी कंट्री है, लेकिन वहाँ पर इस तरह के एट्रीब्यूट्स का होना और वहाँ पर इस तरह के कल्चर का होना कि आप वहाँ पर बुत हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ पर जो मॉडलिंग हो रही है वो बहुत न्यूड किस्म की मॉडलिंग है, सो मेरा नहीं ख्याल कि ये और जहाँ तक बात है कि इंडिया उसको क्यों सपोर्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स उसकी जो सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, क्योंकि सऊदी अरब ना सिर्फ इस वक्त इंडिया को बल्कि वो अमेरिका के साथ भी बहुत ज़्यादा फेवर में है, क्योंकि अगर फ़लस्तीन का मामला देखा जाए तो जब ये बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप अगर किसी को आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन सऊदीया को इस चीज़ में इस्लामी मुल्क होने के नाते आवाज़ उठानी चाहिए। सऊदीया ने पहली बात यह है कि सऊदीया ने मुस्लिम उम्मा का ठेका नहीं ले रखा, सऊदीया का कल्चर बहुत अलग है। अरब आपको पता होगा बेली डांस, ये अरब से ही निकला है,
तो वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते ना। अब हम कहते हैं हमारा कल्चर, हमारा कोई कल्चर नहीं है, ये पूरा खिता हिंदुस्तान था 1947 की रात को बैठकर तो नहीं ना पाकिस्तान ने अपना कल्चर डिसाइड किया था। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर मॉडलिंग हो रही है, आपको पता है उनका ज़्यादातर जो बिजनेस होता है वो तेल पर होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई, एक मिनट लेट मी कम्प्लीट, हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, लोग उनसे तेल नहीं खरीदेंगे, वो क्या कंट्री कंट्री में जाकर भीख का कटोरा पकड़ेंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अलग हुआ, चार जंगें हमारी कश्मीर पर हो चुकी हैं कि हम लोग मुसलमान हैं हमें दे दो, पाकिस्तान के अंदर शरीयत लॉ, अब शरीयत नाफिज ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी कॉन्सर्ट होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मॉडलिंग होती है, पाकिस्तान के अंदर भी स्टेज ड्रामाज होते हैं, पाकिस्तान के अंदर वल्गर कपड़े पहने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो एड्स चलती हैं टीवी के अंदर जो आप फैमिली में बैठकर नहीं देख सकते हो। कभी सऊदीया ने तो फतवा जारी नहीं किया। मैं आपको इस बारे में ये कहना चाहूँगी, जहाँ तक आप ये कह रही हैं ना कि वो उनका कल्चर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप आज से 1400 साल पहले पुरानी तारीख में देखा जाए तो जो क़यामत की निशानियाँ उनमें से एक निशानी ये भी थी कि जिस सरजमीन के ऊपर अल्लाह ताला का घर है और जिस सरजमीन के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हो, वहाँ पर इस तरह की वल्गैरिटी और फहाशी फैलाई जाए। यहाँ मस्जिदें नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है ना, यहाँ वो अल्लाह का घर है, वहाँ पर जो इस्लामी निज़ाम वहाँ पर कायम हो, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश थी, वहाँ पर वो वहाँ पर रहते थे। हम लोग इस्लाम के नाम पर अलग हुए हैं, वो इस्लामिक कंट्री थी, वो अलग नहीं हुई थी, हम लोग इस्लाम के नाम, वो भी इस्लामिक कंट्री नहीं थी। कोई साबित कर दे कि वो इस्लामिक कंट्री थी? नहीं थी इस्लामिक कंट्री, वहां भी लोग कन्वर्ट होकर इस्लाम को उन्होंने फॉलो किया। हाँ, लेकिन वो प्योर मंस थे कि वो जो फर्स्ट जनरेशन होती ना, फर्स्ट कॉपी वो थी। आप तो 8वीं 10वीं कॉपी हो, उसके भी बाद वाली कॉपी हो, वो फर्स्ट कॉपी थी। सऊदी अरब भी इस्लामिक देश नहीं था। हिस्ट्री पढ़िए मैडम। आर प्रमोटिंग इस्लाम बिकॉज वहाँ पर शरीयत नाफिज है। आज आप वहाँ जाकर एक क्राइम करें इस्लामिक लॉज के मुताबिक, हाँ। और वहाँ पर वैसे भी क्राइम नहीं है क्योंकि वहाँ पर शरीयत नाफिज है। हज उमरा करने जो लोग जाते हैं उन्होंने 1% का रद्दो बदल वहाँ नहीं किया, 1% का रद्दो बदल नहीं, जो इस्लामिक लॉज है वहाँ फॉलो होंगे। वो अपनी कंट्री में टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री को आगे ला रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं देखिए, सबसे पहली बात ये है ना कि टूरिज्म वगैरह को कंट्रोल, मतलब टूरिज्म वगैरह को अगर आप प्रमोट करते हो वो एक चीज़ अलग है। दे डोंट हैव एग्रीकल्चरल लैंड, दे डोंट हैव, आपको पता है ना कि वहाँ पर वो सिर्फ तेल बेच बेच कर गुजारा करते हैं और तेल वाला ज़माना अब नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या एग्रीकल्चर के थ्रू जो आपकी इनकम आती है और जो ऑयल को आप देते हो वो जो उसके थ्रू जो इनकम आती है, क्या उसमें डिफरेंस नहीं है? अगर आप ऑयल आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है और ना दुनिया को बोल चाहिए, दैट्स टोटली फाइन। वो इतना एग्रीकल्चर वाली जो कंट्रीज हैं वो इतना अर्न नहीं कर रही हैं जितना वो तेल को दे के अर्न कर रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ तेल का ज़माना नहीं है, हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, दुनिया में तेल की डिमांड कम हो गई है। देखिए मेरी बात सुने, बात हम लोग ये कर रहे हैं ना कि वहाँ पर जो मॉडलिंग वगैरह हो रही है या वो लोग क्या करें, आप बता दें वो कैसे रेवेन्यू जनरेट, चले मुझे क्या रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका यही है कि आप बताएं ना के थ्रू, आप फहाशी के थ्रू जो है वो रेवेन्यू जनरेट, आपसे पूछ रही हूँ ना कि वो ऐसा क्या करें कि उनको रेवेन्यू जनरेट हो, बताएं। आज तक मुझे ये बताएं, अच्छा चले दुबई जो है, दुबई इतना बड़ा एक, उसने आज तक जितनी भी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, जितनी वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है या जितना उनकी तरफ से गोल्ड जाता है, वो आज तक क्या फहाशी वगैरह करके आगे आते हैं? या मेरी आप इज अ सेक्युलर कंट्री, नॉट एन इस्लामिक कंट्री। मुझे आप ये बताएं कि सऊदी अरब 1400 साल से लेकर अब तक, यानी जितना कुछ वो, जितना कुछ भी वहाँ पर हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है हरम शरीफ के अंदर, जो कुछ भी वहाँ पर हुआ है, तो क्या वो डेवलपमेंट जो है वो उस वजह से होती रही है कि वो मॉडलिंग सिर्फ और सिर्फ बेसिक कल्चर ये है? क्योंकि हम लोग इस बात पे बिलीव नहीं रखते। बेसिक बात ये होती है, सऊदीया बहुत गलत कर रहा है, बायकॉट। छोड़िए, बात खत्म हुई, समझ में मैडम को ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैडम वहां के जो लोग हैं ना वो अगले 50 साल बाद की बात देख रहे हैं। बुद्धिमान आदमी वो होता है जो भविष्य की चीज देख ले कि यार 20 साल बाद ये प्रॉब्लम आएगी, 30 साल बाद ये प्रॉब्लम आएगी, 50 साल बाद प्रॉब्लम, अभी से काम चालू करोगे ना तब जाके उस प्रॉब्लम को टैकल कर पाओगे। जब आग लगेगी तब कुआं नहीं खोदा जाता मैडम, कहावत सुनी आपने? दुनिया में न्यूक्लियर पावर की खपत बढ़ रही है, दुनिया में ग्रीन एनर्जी की बढ़ रही है, विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, ये इलेक्ट्रिक, ये सोलर पावर, धीरे धीरे तेल पर डिपेंडेंसी कम करते जा रहे हैं हम लोग। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अगर वो अभी से प्लान बनाना, उस पर काम करना नहीं शुरू करेंगे, भाई बच्चा भी मैडम 9 महीने में पैदा होता है,
ऐसा नहीं है कि दो दिन में पैदा हो गया बच्चा, 9 महीने का उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही 9 महीने बाद रिजल्ट आता है कि बच्चा पैदा होता है। वैसे ही कई चीजों के ना प्रोसेस करने पड़ते हैं, उस प्रोसेस में टाइम लगता है, 50 साल लग सकते हैं प्रोसेस में। आपको एक ऑल्टरनेट रेवेन्यू मॉडल जनरेट करने के लिए आपको 50 साल लगेंगे, सऊदी अरब को पता है वो, इसलिए वो अब से काम करना शुरू कर रहा है ताकि 10-10 साल में उसका असर दिखना चालू होगा, 5-5 साल में उसके छोटे छोटे असर दिखने चालू होंगे। अभी असर दिखना चालू हो गया है, आपको बुद्धि नहीं है, फिर आप समझ नहीं पा रही है, इसलिए आप ये कह रही है। दोस्तों आप बताएं कमेंट करके, आप क्या कहते हैं, सऊदी अरबिया से ये इतनी को मिर्ची क्यों लग रही है, कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पर मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,